अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप मेरे तमाम भाई खैरियत से ठीक ठाक होंगे। एंड फाइनली आज मैं बहुत खुश हूँ। वजह ये है कि मेरा व्लॉग जो है ना टाइम पे अपलोड हो चुका है। तो अभी जो है ना एवरीवन, मैं उठा था, एटलीस्ट एक घंटा हो गया नहा के स्कूल के लिए जो है मैं तैयार हो चुका हूँ। असल में सीन ये, मेरा पैर जो है ना, मैंने जब मैं छुट्टियाँ के अम्मी नहीं पेपर जब आखिरी मैंने दिया, उसके बाद मुझे याद ही नहीं है कि मेरा यूनिफॉर्म था किधर। सभी है नहीं, मुझे जो है ना विदाउट जाना पड़ रहा है। कपड़े मैंने ये पहने एंड जूते वगैरह जो है मैंने पहन लिए, सीधा जो है एवरीवन निकलते हैं अब स्कूल के लिए। और ऑलरेडी जो है ना मेरे पास जस्ट 20 मिनट्स हैं, और 20 मिनट्स में मुझे ना स्कूल पहुंचना है। तो फिलहाल जो है निकलता हूँ, और माशाल्लाह बड़ी मस्त धूप हो रही है। खैर गर्मी तो बहुत है, एंड बाइक वगैरह कोई नहीं, पैदल चलते हैं। एंड वो लोग जो मेरा दोस्त हैं वो ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, सो मैं भी निकलता हूँ एंड पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। सो निकलते हैं एवरीवन बिना किए टाइम वेस्ट। सो लेट्स गो, अभी जो है ना के आगे सीन कुछ ही हुए। सो लेट्स गो। कल अबू शोर कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने बेकरी का इतना सामान लिया है और तुम इसे हफ्ते में सेल कैसे करोगे ना। और सुबह के टाइम में से सीन हुआ, मैं उठा ना तो सेल फोन मेरे चार्ज नहीं, मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया जैसे कल ब्लॉग में आपने देखा। वो जीशान वो नीचे बेकरी गाड़ी आई थी, नईम भाई ने मुझे बोला नीचे गाड़ी आई है तो आप लोगों को पूछ रही है। सो मैं जैसे जा रहा था, मैंने कहा कि जीशान भाई जाएंगे ख़रीदने, और जीशान भाई ने मुझे बोला कि तुम चले जाओ नीचे से ले लो। तो मुझे जो मुनासिब लगा, मींस के कुछ रस वगैरह भी पड़े हुए थे, कुछ वो ब्रेड वगैरह पड़ी हुई थी, तो मैंने मिनिमम ली, इतनी भी नहीं ली। अबू कह रहे थे इतना लो जो कि हफ्ते के अंदर अंदर सेल हो जाए, मैंने इतना ही लिया। बट फिर अबू जो है ना बहुत शोर कर रहे थे। मैं एवरीवन निकलता हूँ स्कूल के लिए, मैं उस टाइम पर पहुँचूँगा ना जब बच्चे बैठे हुए हों। अभी जो है ना कच्चे पे अभी थोड़ा सा रास्ता बाकी है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा आती है तो बंदा जो है ना थक जाता है। बाकी ये चेक करो कि प्रैक्टिकल देके गया साथ जो है ना, कि कॉपी लेके वापस हो गया था, और ये जो है ना रास्ते पर फाड़ के गया। ज़बरदस्त बंदा है वो। तो चलो बोलो प्रैक्टिकल के लिए जो है ना बैठे हैं, मैं जो है ना पीछे से जा रहा। जी सिस्टम है यार, ब्लॉगिंग ने ह्यूमन रिकवरी के सारी टाइमिंग मेरे बिगाड़ के रख दी। तो चलते हैं, अभी बढ़ते हैं आगे भी, और स्कूल जो है ना प्रैक्टिकल देकर फिर आप लोगों से मिलता हूँ। फिर आके एवरीवन थोड़ा अच्छा फील करूँ, ताकि क्योंकि ये साया है ना दरख्तों का, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। पीछे तो मेरी कमर की और ये जो मेरी हालत हो गई थी ना, वो तो छोड़ ही दो मैं कहता हूँ। ओ भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। खैर अभी घर से मैं नहा के भी आया था, इन्हें चल रास्ते पर गर्मी नहीं लगी। बट असल में क्या है, मेरे पास बाइक है लेकिन वो थोड़ी सी ख़राब है, और मैं जो है ना अभी इसको ठीक नहीं करना चाहता, और वो घर में ही खड़ी भी है। मैं अगर कि बाज़ार चलता हूँ या कोई चीज़ ख़रीदनी है बाज़ार से, मैं जीशान भी वाला लेके जो है ना निकल पड़ता हूँ। एंड वो अच्छा होता है, इसी वजह से जो है ना वो घर में ही खड़ा हुआ है। अभी जो है ना निकलते हैं, और हाँ बड़ी ईद बहुत नज़दीक होगी, एंड लास्ट जो 10 डेज़ हैं ये बड़ी ईद की जो मंडी लगी हुई, 10 के 10 डेज़ जाएंगे एवरीवन। एंड आपको जो है ना उधर जो मस्त सीन होंगे वो आपको बताऊंगा, ताकि एंजॉय करो आप लोग। हमारी जो इस साइड पे मंडी होती है इसमें जो ना बड़ी चस आती है, लाजमी चलेंगे। और मैंने कहा कि मैं प्रैक्टिकली बाहर नहीं लूँगा, बट अभी भी रास्ते पर हूँ, मैंने कहा बता दूँ आपको। सो चलते हैं फिलहाल, एंड प्रैक्टिकल के बाद जो है ना अभी मिलते हैं आपसे। एवरीवन मेरा जो है ना प्रैक्टिकल हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ है। इंटर भी ब्याज, और मैं जा रहा था कुछ ठंडा पी के जो है ना जाए। मेरा सीन ये था, मैं एक प्रोग्राम करने वाला था आफ्टर पेपर, एंड इन्होंने यमान और मुदसर के साथ मेरे बात होने वाली थी ना, तो वो दूसरा जो है ना वो भाग चुका है, 5 मिनट मेरी तरफ नहीं खड़ा हुआ। असल में शिफ्ट हमारी तीसरी थी तो बहुत टाइम लगा, ये खड़ा रहा मेरी तरफ। तो अभी जो है एवरीवन शेख आते हैं, और फिर जो उससे बात करता हूँ मुदसर से, और पता करता हूँ कि वो क्यों चला गया। तो बात कर, तो फाइनली अमान जो है ना वो चला गया, हम नीचे से जो है ना पैदल आ गए थे। एंड अभी ज़रा जहाँ मिली, मैं कह रहा था शूट कर दूँ, एंड अभी जो है जीवन वापस हो रहा हूँ गाँव के, घूमने मिल गए थे इनके साथ। एंड धूप तो खैर बहुत ज़्यादा है, रास्ते में जीशान भी आ गए थे, अगर अमान कह रहा था नीचे से गाड़ी से मुझे निकाल कर भाई के साथ जाओगे, चलो पैदल ही चलते। मैंने बोला इधर ऊपर तक रास्ता है, तुम चले जाओ फिर ऊपर गाड़ी से गाड़ी में बैठ जाना, कह रहे नहीं मेरे साथ जाओगे, अब मुझे पूरा रास्ता जो है ना पैदल जाना पड़ेगा। अरे कोई नहीं चलते हैं। एंड
मुझे अगर भूख बहुत लगी है यार, रोटी खा लूंगा। नमाज भी अभी तक नहीं पढ़ी, पता नहीं टाइम क्या हो रहा है, अपना टाइम भी अभी तक नहीं देखा। अभी जल्दी से पढ़ते हैं घर की तरफ। ये हमारा घर जो है ना, इस पहाड़ के बिल्कुल एंड में, सो यहाँ से जो है ना इधर जाना पड़ेगा। बीच में रास्ता कुछ इस तरह बना हुआ है कि बंदा इजीली जो है ना पहुंच जाता है घर। फिर जल्दी से पढ़ते हैं घर की। फाइनली एवरीवन घर जो है ना पहुंचे कि आके ब्रदर के साथ, इसने लिफ्ट ये साथ में बैठा दिया था। लिटरली वो गर्मी हो रही है ना, धूप ऊपर सर में। चलते हूँ नमाज पढ़ने, एंड वसीम भी आ पाएंगे ना। हाँ नमाज पढ़ते हैं जल्दी से, उसके बाद जब रोटी पर बैठूंगा क्योंकि इतनी जबरदस्त। अभी जो है ना मैं जा रहा हूँ नहाने, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है। अभी जो स्कूल से मैं आया तो आसिफ रहमान को मैंने बात की कि आ जाओ, मुदसर तो खैर है नहीं, वो पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है यार, वो मिल ही नहीं रहा। ड्राइवर जो है ना लेता हूँ, एंड बाकी जो है ना इसको नीचे बैग में डाल देता हूँ, क्योंकि शापर में तो मैं नहीं डाल के ले जा। ये वाला जो है ना, ये सवारी अब 20 से बेहतर है, क्योंकि यार ना ये पेट्रोल, और अगर भूख इसे लगी ये खुद ही जो है ना खाने लग जाएगी, एंड इसे तो खुद खिलाना पड़ता है। यार निकलते हैं एवरीवन। मैंने जो ना बैग ले लिया, एंड पहले जो ना ग्राउंड चलूंगा उधर, इसलिए क्योंकि हमारे गांव वाला का मैच है, एंड जस्ट देखने चलते हैं। आपको जो है ना उधर का सीन बताता हूँ ये क्या कर रहे हैं वो, और उधर से जो है ना डायरेक्ट निकलना है फिर जो मेरी जगह है। सो निकलते हैं। वाह अच्छा, जब मेरे गांव वाले का मैच था मैं घर में था, और अभी अभी वो वापस हो गए, और कहानी में ट्विस्ट ये है कि वो लोग हार चुके हैं, एंड मुझे जो है ना जाना है उधर फाइनली। एंड वो भी देखो फाइनली दोनों जो है ना टाइम पे, मैं जस्ट अभी अभी पहुंचा, वो ऊपर से उतर रहा था, एंड अपनी जगह जो है ना लोकेशन पे आ चुके हैं, जो कि अक्सर मैं आता रहता हूँ। बाकी हवा को जो है ना एवरीवन इग्नोर करना, ये माइक के जो है ना थोड़ा सा मसला आ रहा है। एंड अभी जो है ना नीचे उतरते हैं, बस इससे ऑलरेडी मिला हूँ आज। सो चलते हैं आगे भी, और आप लोगों से जो है ना उधर मिलता हूँ, मैं चेंज कर लेता हूँ और नहाते हैं, क्योंकि ये कपड़े जो है मैंने सुबह देने, ये गंदे नहीं करने। यही नाका पाका लू लूंगा। एंड अभी जो है ना एवरीवन मुस्कुरा हुआ, चलो एवरीवन उधर से नीचे उतरते हैं, एंड उधर सामने चलते हैं। उधर से तीन बच्चे जा रहे थे, उनसे मैंने पूछा आप किस टाइम नहा के गए हो ना, मैं बोल रहे थे आधा घंटा पहले, मैं बोल रहा था अकेले नहा के गए, वो कह रहे हाँ अकेले थे। मैंने कहा यार मस्त इन्जॉयमेंट की होगी उन्होंने, मैंने कहा हम दोनों नहाएंगे इस टाइम पे, बट लिटरली बहुत बच्चे हैं वहाँ पर, तो चलो देखते हैं ना थोड़े से बैठ जाएंगे, अगर निकल रहे हैं तो अच्छा, नहीं तो उनके साथ ही नहा लेंगे। बड़ी मस्त बाइक है, तो चलो हमें अपनी वाली नीचे उतार देता हूँ इस चीज़ में, फिर जो है ना ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। सही सुजी, बाइक जो है ना मैंने पीछे, वो चाचा बैठे हुए थे, मैंने लगा ली। मैंने कहा कि आप ख्याल रखें, पीछे जो है ना वीडियो हम बना रहे हैं। एंड अमान कह रहा था पहले हम यहाँ पर खेला करते थे, बड़ा मज़ा आता था ना, व्यू अच्छा है। असल में भी यार ये आगे चेक करो क्या मस्त लग रही है ये जगह, एंड इस साइड पे चेक करो, मीन्स कि पहाड़ी वाला सिस्टम है। एंड उधर चलते हैं, मेक श्योर की जगह भी मिल जाए। हम उधर इसलिए नहीं नहाए ना एवरीवन, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थे और जगह छोटी थी, और फिर अक्सर ये बच्चे जो है ना आपस में लड़ पड़ते हैं यार दरमियान में। हम उधर पीछे वीडियो बना के जो है ना आते हैं, मेक श्योर की जगह फिर जो है ना खाली हो जाए। एंड ये आगे चेक करो, तकरीबन ये जगह जो है ना यार लिटरली बहुत बहुत गहरी है ये वाली, और ये इसका मेरे बोल आगे नहीं जाओ। ये बंदे नहा रहे हैं मगर इनको जो है ना स्विमिंग आती है, चेक करो आप डाइव चेक करो। बहुत तरीका
मैं तो निकलता हूँ एवरीवन, मैं तो रिस्क नहीं ले सकते यार इस मामले में, क्योंकि मुझे स्विमिंग आती नहीं है और आधा जो है ना ये जगह इतनी है, चेक करो बाकी इसका क्या हिसाब होगा। मैं तो निकलता हूँ। फाइनली एवरीवन ना के जन्म, बड़ा मजा आया। फिर पानी तो था गंदा और असर की जो है ना अजानें भी हो चुकी है। अभी जो है एवरीवन घर चलने, घर जाके जो है नहा के नमाज के लिए तैयार होने, नमाज पढ़ के जो है एवरीवन उसके बाद जो है ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। लिटरली इतनी ठंड है ना, मैं नीचे जैसे होता पता चला गया यार पानी इतना ठंडा है। सभी जो है ना वो कमीज चेंज करता हूँ एंड मीन से सारा कपड़ा आउटफिट चेंज करता हूँ, उसके बाद जो है सीधा निकलता हूँ घर के लिए। और आपसे तो टाइम जो है ना 5:21 हो रहे हैं और इसको जो है लिटरली बहुत ठंड लग रही है। अभी हम एक लोकेशन पे बैठे एंड अभी जो है एवरीवन वो चाय ला रहा है। मैंने उसको बोला चाय और समोसे मंगवा लो, मुझे लिटरली ठंड लग गई है। गर्म चाय पीते हैं और समोसे, अब आ जाए ना मैं आपको बताता हूँ इस जगह की चाय एंड समोसे, फिर जो है ना आपको दिखाता हूँ। आ चुके हैं मगर ये जो है ठंड है यार, यस आएगी। एंड अभी जो है ना ये चाय मस्त है और ये जो है ना थोड़ा सा ठंडा यार, बट कोई नहीं चलेगा। ये मुझसे नमाज जा रही है यार, मैं तो कह रहा हूँ इधर ये मस्जिद है ना साथ में, हाँ बस इधर वजू बना के जो है नमाज पढ़ के ये भी पढ़ लेगा मैं भी। हा? बाकी चाय जो है एवरीवन मस्त। ये देखो ये कह रहे ट्राउजर मेरा गीले है, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। नमाज के ये हुक्म नहीं, तुम्हारा क्या भी गीला हो तुम नमाज नहीं पढ़ो, नमाज आ रहा हो सूरत में ये ना कंपलसरी है। अभी टाइम भी जा रहे हैं, मैं अगर घर जाऊँ मुझसे जो है ना लिटरली कज़ा हो जाएगी। सो इधर जो है ना पढ़ते नीचे जाके वजू बना के, चले जो नीचे चलते हैं। अभी जो है ना घर आ चुका हूँ एवरीवन, अभी जो है ना नहाते हैं क्योंकि उधर जो है ना ये मुझे साफ भी पानी जो है ना मैंने जैसे आपको बताया कि गंदा था, तो अभी जो है ना जल्दी से अंदर नहा लेते हैं उसके बाद जो है नमाज के लिए तैयार हो जाएंगे एंड चलते हैं शहर अंदर। बाहर का फिलहाल ये सीन है, गाँव जो है ना हर वक्त ऐसा वीरान ही रहता है यार। जैसे भाई जो है एवरीवन वो फ्रेशनेस महसूस हो रही है। अभी जो है ना एवरीवन वो नमाज का टाइम हो रहा है, शाम जो है ना लिटरली हो चुकी पीछे आप देख सकते हो। और अभी जो है ना नमाज पढ़ने जाएंगे उसके बाद दुकान में होंगे। मैं जो है ना सेलफोन खैर साथ में लेके जाऊंगा, मोहल्ले का कुछ यूँ सीन है। फाइनली एवरीवन बहुत अच्छा दिन गुजरा ना, शुक्र है कोई ऐसी आफत नहीं आई जिसकी वजह से दिन ख़राब हो। बहुत अच्छे मेरे पीछे काम देख रहा था उधर किया है कि नहीं, बाकी बड़ा मस्त दिन गुजरा है। मेक श्योर आपको लोग अच्छा लगा होगा। तो अभी जो है ना टाइम नमाज पढ़ूंगा फिर आप लोगों से मिलता हूँ, फिर अम्मी को भी अम्मी से मिलते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो अभी जो है ना एवरीवन इसको बंद करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया ना मैं शूट नहीं कर सका, थोड़ा सा काम था। फिलहाल जो है ना इसको जो है ना चारा आगे डालना है इसके एंड फिर जो है ना ये दरवाज़ा फुली लॉक कर देना है कल के लिए, कल इसको जो है ना मिलेंगे इंशाल्लाह। ये क्या बताए हो इसके अंदर अक्सर एवरीवन वो छोटी छोटी पत्नी वो क्या होती हैं यार, उसके नाम भी नहीं आता मुझे, पता ही नहीं है वो क्या होती है। वो जब मेरे साथ अगर चिपक गई अभी ना रात की मेरा बेड़ा गर्क कर देगी। कभी यहाँ से ऐसे करो कभी यहाँ से, समझ ही नहीं आता, अक्सर इस घास में होता है यार। अगर शायद दो ही बहुत है, इनके दिन को जो है ना डाला था एंड बहुत है, बस निकल पाऊँ एवरीवन लॉक लगाना है। अब मैंने घर में पूछा ना कि ये लोग ये लोग या ये भैंस जो है ना इसके, मैंने घर में मम्मी को बोला कि उसके मुंह से जो है ना वो जाग वगैरह वाइट कलर का निकल रहा था। मैं बोल रही थी इनके पास वो एबिलिटी होती है कि ये स्टोमिक से जो है ना अपने मैदे से खुराक ऊपर मुंह तक ले जाता है, फिर उसको सही तरीके से चबाते हैं देन उसको जो है ना निकल देते हैं, फिर जो है ना वो हजम करने के लिए स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज ये एबिलिटी यार बड़ा अच्छा काम है। अभी मैं दुकान चलता हूँ, दुकान मिलता है। एवरीवन मेरा डेली जो है व्लॉग देखते हैं। विजय कैसे हो, ठीक ठाक कैसे चल रहे हैं? बहुत मस्त चल रहा है, जबरदस्त जबरदस्त। एवरीवन अभी जो है दुकान में आ चुका हूँ एंड अभी जो है ना आज बहुत सारे बंदे जो है ना बैठे हुए हैं, अबू जो है ना वो सामने, ये हमारे गाँव के रहते हैं।
सो अभी जो एवरीवन मैं एंड करने वाला हूँ क्योंकि फाइनली मेरा जो व्लॉग बनना था वो मैंने आज उन्हें मस्त बनाए। मेक श्योर आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाजमी से लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एवरीवन एंड कमेंट जो है ना लाजमी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, ओके बाय।